नो अच्छा जी, आपको पता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं राइट, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? पहला होता है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम राइट, फिर होती है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर होती है जी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज राइट, और फिर चौथा जो इसमें पार्ट बनता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर साथ आते हैं जी नोट्स, यही होते हैं मेनली जी। बताएं, यही होते हैं ना, ये भी हम पढ़ चुके, ये यस सर। भी हम पढ़ चुके और ये भी हम पढ़ चुके, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। नाउ दिस वन, ये चेंजेस इन इक्विटी, ये लास्ट जो है ना ये पोर्शन है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है याद है? ये होती है कि जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन है ना, इसमें जो कैश का बैलेंस आ रहा होता है राइट, कैश का बैलेंस आ रहता है, ये उसका ब्रेकअप होता है। क्या होता है जी ब्रेकअप? ब्रेकअप मतलब कि हम इस कैश के बैलेंस तक कैसे पहुंचे हैं, बात समझ आ गई है? उसका ब्रेकअप होता है जिसको बोलते हैं उसकी उसका नोट होता है या उसकी स्टेटमेंट होती है राइट, इस कैश के बैलेंस का। इसमें कुछ खिलाफ है पहले ये बताएं मुझे। नहीं नहीं है ना, क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ चुकी है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दैट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? आपको पता है ना कि बैलेंस शीट के अंदर इस जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं राइट। पहला तो एसेट सेक्शन, दूसरा होता है लाइबिलिटी सेक्शन, और तीसरा होता है इक्विटी सेक्शन। अब इस जो इक्विटी का जितना जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है ना, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, वो जिस स्टेटमेंट या नोट के अंदर आप देख रहे होते हो ना, वो ये होती है। बात समझ आ गई है? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज व्हाट? इट इज बेसिकली द ब्रेकअप ऑफ इक्विटी, जो आप क्लोजिंग ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे हो, ये बात समझ आ गई है? अच्छा, इसमें ना आपको पहले ये पता होना चाहिए इक्विटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या होती है, जो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो ना, जो रेसिडुअल बच जाते हैं ना एसेट्स में से लाइबिलिटीज, जब आप माइनस कर देते हैं जो रेजिडुअल बच जाता है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ राइट, जो बचा हुआ बीच में से पार्ट निकल आता है, दिस थिंग इज नोन एज इक्विटी राइट। सो इसके अंदर अब क्या क्या हो सकता है पोटेंशियली? इसके अंदर होता है शेयर कैपिटल आ सकते हैं आपके पास, शेयर कैपिटल इसका पार्ट होता है, फिर शेयर कैपिटल होता है तो फिर साथ शेयर प्रीमियम भी डेफिनेटली होना चाहिए राइट। अच्छा, शेयर कैपिटल में फिर आपके पास आगे फिर फर्दर होता है, एक होता है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होते हैं राइट, इसी तरह प्रेफरेंस शेयर होते हैं, फिर बोनस शेयर होते हैं, इसी तरह ट्रेजरी शेयर होते हैं ठीक है, ये इसकी फर्दर आगे ब्रेकअप होता है। शेयर प्रीमियम का भी आपको पता है, फिर इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स? दीज आर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स राइट, जो आपने हर साल बचा बचा के रखे होते हैं, देन इसके अंदर आपके पास रिजर्व आते हैं। बात समझ आ गई है? यस अच्छा, मुझे देखना इसकी कितनी डिटेल आपके कोर्स में है, सो डिस्कस दैट थिंग। चलो, बस बिल्कुल मेरे ख्याल से डेफिनेशंस वगैरह, रिडम्पशन, डिविडेंड, ये वो रिडम्पशन बताया हुआ है बस ठीक है, इसकी सिर्फ डिटेल डिटेल्स, वो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बताइए, मैं आपको बता के ना हम आगे चलते हैं, इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं बताई। तो व्हाट आर ऑर्डिनरी शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स आर बेसिकली जो आपके पास अच्छा, शेयर का कॉन्सेप्ट पता है आपको? व्हाट आर शेयर्स? हाउ यू आर गोना डिस्क्राइब द टर्म शेयर? शेयर का कॉन्सेप्ट आता है जी आपको? जी मिस, सर, ये कैपिटल का पार्ट होते हैं। बेसिकली ऐसा होता है ना कि कैपिटल को ना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है राइट, बड़े से कैपिटल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना कैपिटल का, स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होता है जी, शेयर कहलाता है राइट। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होता है कि
जो बंदा कंपनी का ओनर होता है ना, ओनर, वो उसके पास जो शेयर होता है ना, वो क्या होता है जी, ऑर्डिनरी शेयर। क्या होता है जी, जो कंपनी का ओनर जो शेयर ऑन करता है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं इसकी मैं ना आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये ठग समझ आने की बात। बिलफर्ज ये कंपनी है, बात समझ आ गई, ये कंपनी है, इसको ना एक प्रोजेक्ट इसने देखा हुआ है और उस प्रोजेक्ट के लिए इसको चाहिए फॉर एग्जांपल 100 मिलियन चाहिए, राइट। अच्छा अब इसके पास पोटेंशियली क्या क्या ऑप्शन होंगे? पोटेंशियली ये ऑप्शन होंगे कि जाके क्या ले लो, लोन लोन ले ले, बेहतरीन लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन जाके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे क्या ले ले, यानी शेयर कैपिटल इशू कर दे या इक्विटी इशू कर दे, या इक्विटी नहीं इसको शेयर कैपिटल रखे फिलहाल, शेयर कैपिटल इशू कर दे। अब ये शेयर कैपिटल कौन सा है कि जो, अच्छा ऑर्डिनरी शेयर का ये याद रखिएगा, जो लोग कंपनी बना रहे होते हैं ना उनके पास जो शेयर होते हैं, जिस शेयर से कंपनी शुरू होती है वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, राइट। अच्छा ये कंपनी अभी शुरू शुरू में है, राइट, तो ये शेयर कैपिटल इसके बाद दो चार लोगों के या कुछ चंद एक लोगों ने इसके अंदर शेयर कैपिटल डाला हुआ है, राइट। अच्छा अब इसने एक प्रोजेक्ट के लिए इसको पैसे चाहिए, अब या तो जाके लोन ले ले या जाके शेयर कैप, अच्छा लोन ले ले तो अब लोन में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है सिर्फ भाई, लोन कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के लोन पड़े हैं हमने? आपका माइक बंद है, मुझे आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। या सर सॉरी बंद है। जी बताएं कितने तरह के लोन पड़े हैं हमने? सर हमने लोन कितनी दफा के पढ़े? इतनी तरह के सर बट दो ही कौन पढ़े। सर कौन से? अच्छा अब ये तो आप बता देना, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। माइक अपना म्यूट कर लें। वैसे मैंने ना नहीं, म्यूट आपकी म्यूट यही म्यूट बात बिल्कुल कही म्यूट, थी। मुझे बहुत ताप चढ़ जाएगी वरना, आप म्यूट कर लें। आपने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, ये बिल्कुल फाइनेंस के बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। अब मैं आपको क्या कहूँ। अच्छा अब इस लोन जो होते हैं ना, ये जो लोन रेज किया जाता है इसमें मुख्तलिफ तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडेड लोन्स, राइट, एक होते हैं नॉन ट्रेडेड लोन्स, एक होते हैं कॉरपोरेट लोन्स या बैंक लोन्स, कॉरपोरेट लोन्स फिर बैंक लोन्स, बात समझ आ गई। तो ये लोन्स की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं इस तरह से, ठीक राइट है। अब इसमें शॉर्ट टर्म भी होते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की क्लासिफिकेशन है ना कि 12 महीने से कम भी है तो शॉर्ट है, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग है। अच्छा ये बताने का मकसद क्या, ये यस बताने का मकसद है कि बिलफर्ज आप लोन भी नहीं ले सकते, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटीज पोटेंशियली क्या हो सकती है? लोन कोवनेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा ना लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ते हुए, लोन कोवनेंट्स, कि वो आपको कहेगा कि आपके पास इतनी इतनी इक्विटी होनी चाहिए या इतना आपके पास डेट होना चाहिए या ये खास रेशियो। बिलफर्ज आप वो कोई आप वो कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते या वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा मांग रहा है कि आप दे ही नहीं सकते, तो मतलब है लोन तो ले नहीं सकते। अच्छा दूसरा काम क्या था जी, कि जाके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर से जाके कहो कि हमें दे दो। अब ये कहेंगे कहते ये अपनी जेब में, आप दिखाएंगे यार हमारे पास तो जेब में ढेला भी नहीं है देने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी जो कुछ था हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ना शेयर कैपिटल यानी ना आप डेट रेस कर पा रहे हो ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेस कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे में आप जैसा एक सियाना बंदा था जिसको पता था, जिसको ना इनके हालात पता था और उसको अकाउंटिंग भी पता थी, आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि एक काम करो मैं तुम मुझे दे दो प्रेफरेंस शेयर। क्या दे दो? प्रेफरेंस शेयर। उसने पूछा ये क्या होते हैं? आपने उसको बताया कि प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं कि ये होते क्या है, ये होते तो इक्विटी की तरह है, मतलब डेट की तरह होते क्या है, डेट की तरह है, मतलब ये आप पे लाइबिलिटी है क्या जी, डेट की तरह होते हैं। अच्छा ना इसमें फिर थोड़ी क्लासिफिकेशन, अच्छा प्रेफरेंस शेयर पहले कॉन्सेप्ट समझ ले फिर बताता हूँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ये होते क्या है, या तो डेट की तरह होते हैं इक्विटी की तरह होते हैं, लेकिन करना क्या है, एक तो तुमने मुझे इसके ऊपर रिटर्न भी देने हैं और सेकेंडली हर चीज के ऊपर ना तुमने मुझे प्रेफरेंस देनी है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर, बात समझ आ गई है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो रिस्क होता है ना वो क्या होता है, सिक्योर्ड या बहुत लेस होता है रिस्क, फर्क समझ आए? यस सर।
इसमें अब क्या क्या आप उनको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जब तुमने डिविडेंड देना है पहले मुझे देना है, फिर किसको देना है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देना है। जब तुम कल को कंपनी को लिक्विडेट करोगे तो पहले एसेट्स मुझे देने हैं, मेरा हिस्सा पहले देना है, अगर फिर बचा तो फिर किसको देना है? ऑर्डिनरी शेयर, यानी हर काम पे मुझे क्या देनी है? प्रेफरेंस देनी है। तब मैं क्या करूंगी तुम्हें ये 100 मिलियन की अमाउंट है ये दे दूंगी। बात समझ आ गई? ये प्रेफरेंस शेयर, तो ये इसी तरह के सिनेरियोज में इश्यू किए जाते हैं। अच्छा, अब ये प्रेफरेंस शेयर्स ना दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है रिडीमेबल्स और एक होता है इररिडीमेबल्स। व्हाट आर रिडीमेबल्स? रिडीमेबल्स आर, आप कहते हो कि बिलफर्ज ये 100 मिलियन है ना, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ 10 साल के लिए, 10 साल बाद मैं 100 मिलियन भी तुमसे ले लूंगी, और ये जितना इस पे रिटर्न भी हुआ है और हर चीज पे तुमने मुझे प्रेफरेंस भी दे दी है। बात समझ आ गई? तो ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर क्लासिफाइड एज लोन, एज डेट, राइट? डेट क्लासिफाइड होते हैं। और ये होते हैं इररिडीमेबल, यानी जिंदगी भर आपके ही है, लेकिन आपने करना क्या है? आपने हर चीज में मुझे क्या देनी है? प्रेफरेंस दे रही है। तो ये होते हैं क्लासिफाइड एज इक्विटी। बिहेवियर समझ आ रहा है ना? रिडीमेबल मतलब है कि आपने एक दफा एक टाइम के बाद वापस करना है। सो जैसे आपने एक टाइम के बाद वापस करनी होती है ना, वो आपकी क्या होती है जी? वो आपके डेट होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है। फर्क समझ आया? क्लासिफाइड एज इक्विटी यस ये होते हैं जी प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर भी समझ आ गए? जो कंपनी के ट्रू ऑनर्स होते हैं उनके पास जो शेयर होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। वोटिंग पावर वगैरह, अच्छा इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, वोटिंग पावर सारी इनके पास होती है। ये बेसिकली जो ट्रू ऑनर्स होते हैं ना कंपनी के होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है जी? अच्छा उसके बाद ना और भी कुछ काम हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? बिलफर्ज कंपनी ने इशू करने शेयर, कंपनी ने ना कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, राइट? कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, उसके शेयर इशू कर रहे। अब ये जो शेयर होते हैं ना कंपनी का पहला, अब ये जो शेयर आप कंपनी ने न्यू शेयर इशू करने हैं ना, इसको सबसे पहले खरीदने का हक किसके पास है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। किसके पास? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। इसको बोलते हैं प्रियम्प्टिव राइट। कौन सा राइट जी? प्रियम्प्टिव राइट। अच्छा, जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देती है ना, उनको बोलते हैं राइट शेयर्स। कौन से शेयर्स जी? राइट शेयर। ये जनरली क्या होते हैं कि मार्केट से थोड़ी कम प्राइस पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहे हैं ना 20 रुपए का, तो ये इनको 18 रुपए पर या 17 रुपए पर, 17 रुपए पर या 18 रुपए पर जो है वो कंपनी शेयर इशू करेगी। इनको बोलते हैं राइट शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते। बात समझ आ गई है? अच्छा एक होती है जी बोनस शेयर्स। नाउ व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर ये होते हैं कि आप विदाउट कंसिडरेशन ना शेयर इशू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कि आप एक कंपनी में शेयर होल्डर है, इस कंपनी के अंदर इसने देना था डिविडेंड। अब इसने डिविडेंड देना है, लेकिन डिविडेंड देने के लिए ना इसके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, राइट? तो ये क्या करेगी? डिविडेंड देने का एक और तरीका होता है कि आप क्या कर दो। अच्छा डिविडेंड क्या होता है? ये रिटेन अर्निंग एक पार्ट होता है ना जो दिया जाता है। अच्छा यस सर। एक तो काम ये था कि वो करता रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश कर देता क्रेडिट, आपके पास पैसे आ जाते। अब ये उसके पास ये पैसे वाला सीन नहीं है, तो क्या करेगा? करेगा रिटेन अर्निंग डेबिट और आपको ना फर्दर शेयर दे देगा कंपनी के। उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट। नाउ दिस इज अ बोनस इश्यू, ये विदाउट कंसिडरेशन होता है। बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब आप इस शेयर को ना मार्केट में बेच करना अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। सिंपल। कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? चले आगे। नो अब ठीक है, ठीक है सर, क्लियर सर। वैसे मैंने सही तो बताया था। बस आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये डेट की टाइप्स नहीं होती, ये तो क्लासिफिकेशन होती है टाइम पीरियड के हिसाब से। मैंने आपको एमएफए के अंदर डेट भी पढ़ाया, हमने कितनी क्लासेस वो डेट, ट्रेड वाला? ट्रेडेड, नॉन ट्रेड, यस कॉर्पोरेट, सर। बैंक लोन, फिर मैंने जीरो कूपन के साथ डीप डिस्काउंटेड, क्या क्या पढ़ाया आपको? ओ ट्रेड सर वो जी, सारे तो मैंने वही पूछा ना डेट की टाइप्स, आपने ट्रेडेड नॉन ट्रेडेड भी नहीं बताया, वही बता देता तो मैं कहता हूँ ठीक बताया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये कोई डेट की आप करने वाली बातें की करो? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन बॉन्ड डिबेंचर कितना कुछ पढ़ाया हमने, मुझे शर्म आ रही है, मैं अब आपको क्या कहूँ? नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। आप पास होने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता अपनी कम करते जा रहे हैं, और इसमें सरासर कसूर और नुकसान आपका। फीस भी भर रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो,
और बिल फर्ज अगर रिजल्ट भी खुदा ना खास्ता कल को नहीं प्रोड्यूस करते तो किसका नुकसान है। मैंने आपको पहले कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि अगर नहीं मूड बन रहा तो या सब्जेक्ट ड्रॉप कर दो या सीए छोड़ दो, कोई और काम करो। इस तरह तो नहीं है ना, आप इतने पैसे भी लगा रहे हो, फिर टाइम भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, वो लगा रहे हो। एज भी आप देखिए ना, आपकी एज भी इतनी ज्यादा हो गई है, 25 ईयर, 20 इज नॉट अ कम एज नहीं है ये। बाकी तो बच्चे हैं आपके सामने, तो चलो इसलिए थोड़ा सा इंसान बने और पढ़ने पे तवज्जो। अब हाथ डाला तो हाथ करना डालने तो तो चाहिए देखिए, ना। हाथ डाला है तो उसको जिस तरह से उसका करने का हक है उस तरह से करें ना। एक चीज को आपने शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं है कि मतलब, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ से निकल जाऊं और हाईवे पे खड़ा हूं और जाता जाऊं जाता जाऊं, कभी इधर मुड़ जाऊं, कभी तो सोचता तो मैं घर नहीं पहुंचूंगा, कभी मैं जिना एवेन्यू पे चढ़ जाऊं, कभी मैं कश्मीर हाईवे पे चढ़ जाऊं, कभी मोटरवे पे चढ़ जाऊं, कहूं कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे तो नहीं पहुंचेगा बंदा। मुझे नहीं खास रास्ता उस पर चलना चाहिए ना, और रास्ता मैंने आपको कितनी, हर मेरे ख्याल से जब भी हम लोग बैठते हैं तो मैं आपसे 5, 7, 10 मिनट तो हम इसी पे बात करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों क्यों करना है। मेहरबानी करिए, बाकी भी तो आप जैसे हैं ना, जी सर, ये भी तो कर रहे हैं, आप भी मेहरबानी करके करें। आपके पास, इनके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास टाइम कम है। आपकी उस दिन याद है ना, आपकी बहन कह रही थी कि वो अगर इस बार ना हुआ तो आपको फिर ये मजबूरन फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए काइंडली अपने ऊपर, अपने साथ ज्यादती ना करें। राइट सर, किसी, मैं एक रुपया भी कहीं पे लगाता हूँ ना, एक रुपया भी, सो मैं वो अपने पैसे पूरे, मैं एक मिनट भी कहीं पे लगाता हूँ ना एक कोई एक छोटी सी चीज सीखने में, तो जब तक मैं उससे प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर लेता, मैं उसकी जान नहीं छोड़ता। तो आप इतना ज्यादा, 6 महीने इज नॉट अ कम टाइम नहीं है, फिर पैसे भी लगा रहे हो, आपको पता है कितनी मुश्किल से आप कमाते हो, तो ये जी आसान सर, तो नहीं होता ना। तो इसलिए अब देखिए, अब ये बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा है, आपको वो नहीं आ रहा था। तो मैं वो दूसरे लिहाज से समझा, मैं इसमें दूसरे लिहाज से थोड़ा भी जनरल गलती हो गई। सॉरी चले, कोई चलते हैं आगे। सर, नहीं सॉरी का मुझे, देखिए सॉरी करने का नहीं फायदा, आपको पढ़ने की जरूरत है। अब आपने नहीं पढ़ा होता तभी आपको मसला होता, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको जल्दी से पता चलेगा दैट ये टाइप्स होती हैं। जी अच्छा जी, हाँ वापस आते हैं अपनी बात पे, किधर थे हम, क्या हो गया। हाँ अच्छा, रिटेन्ड, अच्छा ये शेयर कैपिटल की सारी कहानी समझ आ गई आपको, मिस ये आसिफ भाई और हमने पढ़ी है उसमें, सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, राइट शेयर, व्हाट आर राइट शेयर, व्हाट आर बोनस शेयर, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। सो व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज रिटर्न, सर ये गायब क्यों हो रहा है, क्या चक्कर। जी, दूसरा, आप लोग इस तरह से पढ़ा करें कि आप किसी को पढ़ाने के काबिल बने। जब तक आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे ना, आप लोग कभी भी चीजों की गहराई को नहीं समझ सकते। अगर आपसे कल कोई बंदा पूछे ना, तो आप उसको बता सके इस तरह से, इस तरीके से पढ़ा कीजिए, तब आपको कॉन्सेप्ट सही समझ अच्छा में। अच्छा मिस, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिटेन्ड अर्निंग। सो व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स आर द बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यार 5 मिनट में शुरू करते हैं, मैं दूसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। अब बाकी लोग सारे तैयार हो जाओ, बस स्टार्ट करते हैं 5 मिनट जी। व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, आप हर साल प्रॉफिट कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बनी है, ये प्रॉफिट कमा रही है राइट। अब इस प्रॉफिट का सारा पार्ट जो है ना, वो आप डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड क्या होता है ये डिस्कस करके, सारा पार्ट आप डिविडेंड नहीं देते, कुछ पार्ट आप क्या करते हो, जिसको बोलते हैं ना रिजर्व कर लेते हो, बचा लेते हो, रिटेन कर लेते हो, क्या कर लेते हो, रिटेन कर लेते रिटेन हो, कर। और कुछ पार्ट जो है ना वो वापस बांट देते हो। सिंपल रूल भी यही होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जॉब करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जितना स्टाइपेंड या जो कुछ आपकी अर्निंग है वो लेते हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल 10,000 या 5,000 खर्च कर देते हैं, बाकी 1,000 2,000 की सेविंग कर लेते हैं। सो ये वो जो सेविंग वाला चीज है ना, ये वो सेविंग होती है, कंपनी सेविंग कर लेती है, ये शेयर होल्डर को रिटर्न दे देती है। अब ये सेविंग क्यों की जाती है, आम बंदा सेविंग क्यों करता है, सेविंग इसलिए करता है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आ जाए राइट, तो उसके लिए जरूरत पड़ सकती है, कोई मैंने चीज खरीदनी है राइट,
उसके लिए कर सकते हैं, कल को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसके लिए जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए सेविंग की जाती है ना, और तो कोई पर्पज नहीं होता। कंपनी भी इसीलिए सेविंग करती है, खुदा ना खास्ता कल को कोई लॉस आ जाए, कल को कोई किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने पड़ जाए, राइट, तो उसके लिए क्या की जाती है, सेविंग की जाती है। उस सेविंग को आप क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी ने ना अर्निंग्स में से रिटेन किया हुआ पार्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? नाउ व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड यस सर। बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रॉफिट यू आर गिविंग टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड दोनों तरह से हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड, राइट। एंड डिविडेंड कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, राइट, अदर देन कैश, इन काइंड जिसको बोलते हैं इन काइंड, एंड इन काइंड में क्या होता है, बोनस शेयर भी दे सकते हैं आप, या फिर कोई कंपनी का एसेट उठा के दे सकते हैं। बात समझ आ गई? यस सेटिस्फाइड है, चले आगे। अच्छा, ये जो डिविडेंड दिए जाते हैं किस में से दिए जाते हैं, आपको पता है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, बल्कि इनफैक्ट तीन पार्ट्स होते हैं, पता है आपको कौन कौन से होते हैं? एक इसके अंदर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बनता है आपके पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कंपनसेशन सॉरी ओसीआई। ओसीआई, एग्जैक्टली, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये तो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, बस रिकॉल करवा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है जी, सेल्स आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, और नेट में इसका जीपी निकलता है, इसमें जीपी ऊपर आता है, इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं टैक्सेस एक्सेस सारा, तो नेट प्रॉफिट आता है। अच्छा, जो डिविडेंड दिया जाता है ना वो इस अमाउंट से दिया जाता है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा होता है ना, इधर से क्या दिया जाता है जी, डिविडेंड दिया जाता है। यस सर। बात समझ आ गई? सर उसकी वजह ये होता है, यस सर, अदर इनकम जो सी होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, मतलब वो एग्जैक्टली, असल पार्ट नहीं होती। वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होती नहीं, वो एक हवाई चीज होती है सारी। ये जो ओसीआई का पार्ट होता है ये सारा किस में चला जाता है, रिजर्व्स के अंदर, इसमें चला जाता है जी, रिजर्व्स का पार्ट बनता है। अब ओसीआई में क्या क्या आ सकता है, और ये नेट प्रॉफिट का आधा पार्ट डिविडेंड में चला गया, आधा रिटेन अर्निंग में चला गया, जो बच के बच्चे रिटेन अर्निंग में चला गया, ये रिजर्व का, इसमें अब यस क्या आ सकता है, इसमें रिवेल्यूशन सरप्लस आ सकता है। अब रिवेल्यूशन सरप्लस इज नथिंग, एक हवाई चीज है, एक्सचेंज गेंज, एक्चुअरियल गेन्स एंड लॉसेस। अब ये आप एक कोर्स में नहीं, इसलिए आपको समझ भी नहीं आएंगे, एक्चुअरियल गेन लॉसेस और इस तरह की और चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सारी हवाई चीजें होती हैं, वर्चुअल होती हैं, राइट। तो ये सारे किधर होते हैं, फिर रिटेन अर्निंग का पार्ट नहीं बनते, बल्कि किसका पार्ट बनते हैं, अपने अपने रिजर्व का। इसमें जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं या इनके स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। तो दिस इज फॉर टुडे, मेरे ख्याल से काफी डिस्कशन हमने कर ली है, और कुछ रह भी नहीं गया। आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए ना, व्हाट इज, ये क्या होता है रिडेम्पशन, यस सर। रिडेम्पशन क्या होता है जी, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला हुआ था ना कि मैं तुम्हें 10 साल के बाद क्या करूंगा, तुमसे पैसे ले लूंगा, या इवन ऐसा होता है कि आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से भी ना अपने शेयर वापस खरीद लेते हो, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का दूसरा लफ्ज क्या होता है, बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या बोलते हैं आप, रिडेम्पशन। और जो शेयर आप बाय बैक करते हैं ना लोगों से, इन जो बाय बैक्ड शेयर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रेजरी शेयर। कौन से शेयर जी? ट्रेजरी, ऊपर लफ्ज करते हैं ट्रेजरी शेयर। बात समझ आई है? कंपनी लाइक फिर कैसे आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैं कह रही थी जो बायबैक शेयर्स नो, स्टिल नो साउंड, ये मुझे वॉइस बताएं। हाँ तो मैं कह रही थी जो बायबैक शेयर्स होते कंपनी होंगे कंपनी ट्रीट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऐसा कीजिएगा मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको क्या कर दूंगा। चलिए जी, दिस इज फॉर टुडे, आप ना मुझे वॉइस नोट या मैसेज ड्रॉप कर देना, ग्रुप में बेशक कर देना, अगर सब लोग के लिए करना है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।